लगभग सभी राजनीतिक दलों ने पार्टी घोषित करने के बाद, उम्मीदवार घोषित करने के बाद सभी ने नामांकन अपना पर्चा भरना शुरू कर दिया है। ऐसे में वार्ड नंबर 32 है, हालांकि ये टिकट बीजेपी की तरफ से इन्हें मिलना चाहिए था, बीजेपी सीट नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नॉमिनेशन समिति का इन्होंने हाथ थामा है। क्या कुल तैयारियाँ रहेंगी 32 से, 32 का आपने नॉमिनेशन किया हुआ है, 32 से फॉर्म भरा है, प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? प्रमुख लक्ष्य, पहली बात तो मैं नेशनल टीवी पे एक धन्यवाद बोलना चाहूँगी हमारे राज साहब का, जिन्होंने यंग युवा को एक बार चांस दिया है मैदान में उतरने के लिए। अभी जो भी है महिला के प्रॉब्लम्स, जीतू या ना जीतू, बट मैं बहुत पूरी तरह से कोशिश करूँगी जो भी महिला के प्रॉब्लम्स होंगे और जो भी यहाँ पे मैं बहुत फेस कर चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ मैं एक वर्किंग वूमन थी, मैं जॉब जाती थी तो यहाँ पे बहुत बस की फ्रिक्वेंसीज, शेयर ऑटो, बहुत पब्लिक फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स। तो पहला मेरा मुद्दा वो रहेगा जितने के बाद कि मैं वो पहले सुविधा में लेडीज़ के लिए वो करूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जो भी है गरीब है, जिनको जहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, महिलाओं को घर बैठे बैठे काम दिलाने का, उस पर मेरी तैयारी रहेगी। दूसरी बात, जो मालवनी चर्च में वहाँ पे मच्छी वालों को बैठने को प्रॉब्लम होता है, मच्छी बेचने को, उनके बिजनेस के लिए वो एक अरेंजमेंट करना है मुझे। और उसके बाद वैसे बहुत सारे हैं, मुझे आगे एक बार चांस दो, सब कुछ करना है बस। अगर बात करें यहाँ पे चुनावी टक्कर की, तो आपके साथ में कौन कौन टक्कर पे होगा, क्योंकि एक महिलाओं के लिए देखते हुए लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों की महिलाएं जो हैं उतर चुकी हैं, ऐसे में आप किसे लीड समझते हैं कि बीजेपी से टक्कर होगी, शिवसेना से होगी या कांग्रेस से? टक्कर तो देखो अभी सब अपने अपने तौर पर लड़ रहे हैं, उसमें टक्कर से मैं कोई डर नहीं रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ बस। मुझे पता है कि मुझे जीतना है, जीतना है बस, अपना राज सकरे का नाम रखना है यहाँ पे, मन से को जिताना है बस, इतना है। टक्कर में जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं विकास की नीति रहेगी आपका प्रमुख एजेंडा होगा, उसके हिसाब से आप जीतना चाहते हैं? यस यस, वैसे भी मेरे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज मैं जो भी स्टैंड पे हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए। तो जो भी है, मेरे जितने भी कार्य करते हो मेरे लिए लगे पड़े हुए, तो राज साहब की दुआ से या सबकी दुआ से मन से का यहाँ पे विजय होगा, वार्ड नंबर 32 नंबर 1 पे होगा, यही उम्मीद करते हो। जी बिल्कुल, कहना कि राज साहब की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम दिखाया उन्होंने वाकई में, बात तैयारे थी भारतीय जनता पार्टी से, लगभग कई सालों से मेहनत करो भारतीय जनता पार्टी में, आप अचानक कूदना पड़ा, मन से का झंडा थामना पड़ा, एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही घर के लोग बीजेपी के लोग अपोजिट में होंगे, तैयारियाँ कैसे होंगी? देखो तैयारी तो हमने बहुत कुछ की है, तैयारी देखो ऐसा है, तो हमने मनसे का दामन थामा, तो एक्चुअली मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ भी नहीं, अभी उनके बारे में बात करके मतलब भी नहीं, अभी हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी का मैं हूँ पदाधिकारी, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। हमने हमारे वार्ड में पूरा वार रूम तैयार किया है, जनता को मेरा ये आह्वान है कि अभी का जो इलेक्शन है उसमें आप 32 नंबर में वोट दो या मत दो, लेकिन 32 नंबर में हम आने वाले 5 साल में हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर जनता ने चुन के दिया तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? सबसे पहला लक्ष्य मेरा होगा जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए पीछे लगूंगी। पहला मैंने आपको फर्स्ट ही बोला था, पहला मोटिव मेरा जो जिसको सुबह शाम प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैवलिंग का, बस की फ्रीक्वेंसी, वो सब कर लेंगे बस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तैयारियां है, लोग अपने भर रहे हैं और आने वाले समय में जनता कितना प्रतिशत देती है ये तो आने वाला बताएगा, जनता तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।